जब छोटे थे तो लड़ाई होती थी। एक कहता था माँ मेरी है, दूसरा कहता था नहीं माँ तो मेरी है। फिर कहते थे चलो फिर माँ से पूछ लेते हैं माँ किसकी है। और जब माँ से पूछते तो माँ हंस कर टाल देती, क्योंकि उसे पता था कि एक वक्त वो भी आएगा। अब लड़ाई इस बात की है कि माँ तेरी है, माँ तेरी भी है। एक कहता मैंने पहला महीना गुजारा है, मुझे पता है मेरे बच्चे कितनी आजमाइश में रहे हैं, मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब रहती है माँ की खांसी से, मैं नहीं रख सकता। अब 4 महीने तुम निकालो, हर कोई महीना महीना रखे, फिर देखूंगा क्या करना है। जिस माँ के कदमों तले औलाद की जन्नत थी, आज वही माँ। कोई नौजवान था जो अपनी माँ को यतीम खाने में छोड़ आया, आज हमारे यहाँ भी ओल्ड पीपल होम बन गए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो तुम जाकर उन्हें जमा कर दो। क्या हमने ये दिन भी देखने थे? खैर, वो जमा कर आया और इंतजामिया को नंबर दे आया, जब माँ मरने लगे तो मुझे फोन कर लेना। खैर, उसका वक्त आखिर आन पहुंचा और कहा माँ मरने के करीब है और मुलाकात के शौक में तुमसे मिलना चाहती है। वो पहुंचा और माँ से कहा कि माँ तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ जो मैं पूरा कर दूं। माँ ने जवाब दिया कि बेटा ये यतीम खाना जहाँ तू मुझे छोड़ गया था, इसके कुछ पंखे खराब हैं। जब जून जुलाई की गर्मी आती है तो बूढ़े माँ बाप गर्मी से झुलस उठते हैं, अगर तेरे पास पैसे हों तो यहाँ के पंखे तब्दील करवा देना। वो कहने लगा कि माँ अगर मैं अब पंखे तब्दील करवा भी दूं तो तुझे क्या फायदा, पहले बताया होता तो मैं पंखे तब्दील करवा देता, तुझे भी कुछ फायदा हो जाता। माँ की मोहब्बत तो देखें। माँ ने कहा बेटा मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो डरती हूँ जब तू कल बूढ़ा होगा, तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ जाएगी तो मुझे कब्र में भी सुकून नहीं आएगा, अगर मेरे लाल को गर्मी लगेगी। मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए बेटा, मुझे तेरे लिए चाहिए। एक बूढ़ा बाप था जो मोबाइल उठाकर मोबाइल वाले के पास चला गया और उसे कहने लगा कि बेटा ये मोबाइल ठीक कर दो जरा। नौजवान ने मोबाइल देखा और कहा कि बाबा जी मोबाइल तो ठीक है। बुजुर्ग ने कहा कि जरा ध्यान से देखो बेटा, ये मोबाइल खराब है। दूसरी मर्तबा जब देखा और बाबा जी से फरमाया कि बाबा जी ये मोबाइल तो ठीक है, बाबा जी ने मोबाइल पकड़ा और आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और हिचकियां लेता हुआ मोबाइल वाले से कहने लगा कि बेटा अगर ये मोबाइल ठीक है तो मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती, मैं सारा दिन कान को लगा कर बैठा रहता हूँ, मेरा बेटा मुझे कभी तो कॉल करेगा लेकिन इस पर मेरे बेटे की कॉल नहीं आती। बूढ़े माँ बाप हैं, मांगना बुरी बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ जब सिग्नल पर ब्रेक लगती है, जब बूढ़ा हाथ मेरे शीशे के सामने आता है, आखिर दिल में ख्याल तो आता है ये 60 साल की माई है, इसकी भी कोई औलाद होगी, कोई इसका भी बेटा होगा, लेकिन ये आज सड़क पर बैठकर मांगने पर मजबूर है। माँ बाप क्या मांगते हैं मुझसे? नमाज खत्म होती है तो सारे लोग उठकर घर चले जाते हैं, एक 60 साल का बूढ़ा मस्जिद में बैठा रहता, वो उठकर घर नहीं जाता, क्यों? उसे पता है कि मेरी घर में किसको जरूरत है। वो मस्जिद में बैठकर कारी साहब के साथ वक्त गुजार लेता, वो अपने बेटों के पास नहीं जाता। 4 बेटे बैठे हो घर में और किसी बात पर मुशावरत हो रही हो, हर कोई आगे बढ़कर अपने दिल की राय देता, लेकिन एक बूढ़ा बाप है जो चुप बैठा, वो नहीं बताता अपने दिल की बात। उसे पता है कि मेरी बात की क्या हैसियत और क्या औकात। 2 दिन से माँ सोच रही है मेरी दवाई खत्म है और मैं किस बेटे को किस तरह कहूँ कि बेटा मेरी दवाई खत्म है और मेरे जोड़ों में दर्द बड़ा बढ़ गया है, तकलीफ इतनी बढ़ गई है और मैं सोचती हूँ मैं तुमसे कैसे कहूँ। वो बेटा जो दोस्तों में 2000 का डिनर करके आता है, माँ की दवाई की खबर लेने के लिए ना उसके पास वक्त है, ना उसके पास सोच है, ना ही पैसे हैं। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि आज तुम्हें बुरा लगता है, तुम कहते हो मैंने ये करना मैंने वो करना, तुम्हें माँ बाप का टोकना बुरा लगता है, तो एक वक्त आएगा जब घर से चारपाई उठ जाएगी, वो चारपाई जो तूने उठाकर घर के सैन में रख दी थी कि मेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है।
एक वक्त आएगा वो चारपाई जब उठ जाएगी तो घर में चिराग लेकर भी ढूंढेगा, मुझे माँ मेरी मिले मैं मशवरा करूं, मेरा बाप मुझे मिले मैं उससे पूछूं कि मुझे बताएं कि जिंदगी कैसे गुजारूं। उस वक्त घर तुझे खाने को आएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना कुछ काम नहीं आएगा। अपने माँ बाप की कदर कर लो, और माँ बाप धक्के खाकर जिंदगियां गुजार रहे हैं, अपने घरों में अजनबी बने बैठे हैं। ये वो दुखड़ा है जिसका हम आज इजाला कर सकते हैं। अपने वालदैन को यतीम खानों में जमा ना करो, अपनी जन्नत को दूसरों के ऊपर मत डालो, इस जन्नत की कदर कर लो। सारी जिंदगी पैसे कमाने के लिए है, लेकिन आज इनकी कदर कर लो। माँ बाप पे सब कुछ लुटा दो, खुद भूखे रह लो, लेकिन माँ बाप को रुस्वा ना करो। आइए अपने वालदैन की कदर कर लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहे हुए जुमलों पर और कही हुई बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। बस ये दुआ है कि जिसके वालदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जिनके वालदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। अगर अभी तक आपने हमारा पेज और चैनल प्यारा इस्लाम ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें, ताकि ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।